हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पे लाइट के कॉन्सेप्ट को जाना था कि लाइट क्या होता है, ठीक है, जिसमें हमने लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये हमने समझा था। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि अलग अलग प्रकार के परावर्तन कौन कौन से होते हैं, परावर्तन के नियम को हमने समझा था। इसके बाद हमने वस्तु और प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट को जाना था कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट इमेज के कॉन्सेप्ट को बारे में बात की थी हमने। ये जाना था कि हमारे पास दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो आपको स्क्रीन पे प्राप्त होता है, और आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो आपको जो है स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। ये हमने समझ लिया था। इसके साथ साथ हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उसकी क्वालिटीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, ये हमने जान लिया था। लेटरल इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को समझा था। इसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण क्या होते हैं ये जाना था। हमने दो प्रकार के गोलीय दर्पण देखे थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यानी अवतल और उत्तल दर्पण। इनके हमने जो है रे डायग्राम देखे थे, ठीक है, किरण आरेख हमने समझ लिए थे, ठीक है, इसके जो आपके कहाँ पे इनका यूज होता है ये भी हमने जान लिया था, ठीक है, हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमने जो कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण है, इसके हमने रे डायग्राम डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये रे डायग्राम समझ में आए होंगे, आपने इसे नोट किया होगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस की होगी। अब हम बात करते हैं कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसके यूज क्या क्या है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। अब अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर के तौर पे किया जाता है, ठीक है, पार्श्व दृश्य दर्पण यानी वह दर्पण जिससे आप पीछे का व्यू आसानी से देख पाए। बेसिकली यहाँ पर जो आपका दर्पण है यानी उत्तल दर्पण है, उसकी जो है क्वालिटी का यूज किया जाता है। क्वालिटी इसकी ये है या इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक जो है, ठीक है, इसकी जो विशेषता है वो ये है कि अगर वस्तु दूर है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो उस वस्तु का जो है ये काफी मतलब बड़ा जो एरिया है उसका व्यू आपको देता है। साथ ही साथ ये जो है, ये जो दर्पण है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण आप जो पीछे का जो व्यू होता है यानी गाड़ी के पीछे का जो व्यू होता है वो आप आसानी से देख पाते हैं। आप ये देख पाते हैं कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है, तो इसी कारण जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका उपयोग रियर व्यू मिरर के तौर पर किया जाता है, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है, छोटा होता है, जिस कारण ये एक बड़े एरिया का व्यू आसानी से बना पाए, ठीक है। तो इसका उपयोग आपके जो गाड़ियां हैं उनके रियर व्यू मिरर के तौर पे किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से इनका उपयोग होता है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर्स इन ऑल द व्हीकल, यानी सभी वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पणों में उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। They give a larger view when compared to plain mirror. अब अगर हम बात करें जो आपके उत्तल दर्पण होते हैं इनकी तुलना या इनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की तुलना अगर हम समतल दर्पण से करें, ठीक है, समतल दर्पण से करें, तो हम क्या देख पाते हैं, हम ये देख पाते हैं कि ये जो दर्पण होते हैं ये काफी बड़े एरिया का व्यू दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो आपके आपके जो उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या करता है, ये वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनाता है वो छोटा बनाता है,
छोटा बनाता है, जिस कारण ये एक बड़े एरिया का व्यू आसानी से बना पाता है। वहीं अगर हम बात करें समतल दर्पण की, तो हमने ये बात की थी कि जो समतल दर्पण होता है वो उतने ही साइज का प्रतिबिंब बनाता है जिस साइज के ऑब्जेक्ट है। अगर आप समतल दर्पण को रियर व्यू मिरर यानी पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग करेंगे, तो पीछे जो भी मतलब जो भी आपका व्यू है वो वैसा का वैसा ही बने, जिस कारण क्या होगा वो व्यू आपके जो दर्पण है उसमें पूरा नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा ही दिखाई, क्योंकि ये आपकी समतल दर्पण की विशेषता होती है कि जो वस्तु होती है वस्तु जितने साइज का है वो उतने साइज का ही प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इस कारण ये बड़े व्यू या बड़ा जो एरिया है उसका व्यू नहीं दे पा। ठीक है, तो यही कारण है कि समतल दर्पण के जगह हम जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर यानी पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप। समतल दर्पणों की तुलना में वे बड़ा दृश्य बनाते हैं। वी विल नीड ह्यूज प्लेन मिरर टू कवर द विड्थ सीन थ्रू अ कॉन्वेक्स मिरर और सच अ स्मॉलर साइज। बहुत छोटे आकार के उत्तल दर्पणों के माध्यम से दिखाई देने वाली चौड़ाई को कवर करने के लिए हम विशाल समतल दर्पणों की आवश्यकता होगी। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उत्तल दर्पण है, उससे हमारा किसी जगह का व्यू बन रहा है, किसी कोई दृश्य है उसका हम क्या प्रतिबिंब बना रहे, उस प्रतिबिंब को बनाने के लिए जो कि आपका कॉन्वेक्स मिरर बना रहा है जितना एरिया उसने लिया है उतने एरिया का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें बहुत बड़े समतल दर्पण की आवश्यकता हो। यही कारण है कि हम किसका यूज करते हैं आपका आपके जो कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण है उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक छोटे से दर्पण पे बहुत बड़े एरिया का जो है प्रतिबिंब मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की यानी उत्तल दर्पण की, तो इसका उपयोग ज्वेलरी शॉप में भी किया जाता है। जैसे ज्वेलरी शॉप हो गई आपकी या आपके जो मॉल्स हो गए वहां भी इनका उपयोग किया जाता है। इन्हें सीलिंग पे लगाया जाता है, ठीक है, सीलिंग पे इन्हें अटैच किया जाता है, लगाया जाता है। सीलिंग पे अटैच करने से क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये पूरा जो आपका शॉप है जो दुकान है उसका पूरा व्यू देती है। अब जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा कि जो आपके उत्तल दर्पण होते हैं वो एक बड़े एरिया का जो है एक छोटे से दर्पण पे क्या बना देते हैं, आसानी से एक व्यू बना देते हैं। ठीक है, यानी आपको पूरा का पूरा व्यू मिल जाता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे किया जाता है, इसी विशेषता का यूज यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे दर्पण लगाया जाता है, दर्पण लगाने से क्या होता है, वो छोटा सा दर्पण पूरी दुकान जो पूरी की पूरी दुकान है उसका जो है इमेज बना देता है। तो यहाँ पर अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, मान लीजिए ये ऐसे दर्पण लगा है और कोई सिक्योरिटी गार्ड इस दर्पण पे देख रहा है, तो उसे आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर दुकान में हो क्या रहा है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई चोरी हो रही है या किसी ने कुछ उठा लिया, तो वो यहाँ से आसानी से देख पाए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है इसका उपयोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए यानी सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस इन बिल्डिंग हॉलवे इन शॉप्स एटसेट्रा। यानी कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग हॉलवे दुकान आदि के निर्माण में सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है। In a shop, one security person can view a wide part of shop using convex mirror put on the ceiling. एक दुकान में एक सुरक्षाकर्मी छत पर लगाए गए उत्तल दर्पण का उपयोग करके दुकान के एक विस्तृत हिस्से को देख सकता है। Instead of having more than one security person, we can use multiple convex mirrors on the ceiling। यानी एक से अधिक सुरक्षा कर्मियों का
के बजाय हम क्या कर सकते हैं, छत पर जो है जो आपके दर्पण है ये लगा, ठीक है, सुरक्षा उद्देश्यों से। तो बेसिकली क्या कहा गया है कि जैसे एक से अधिक सुरक्षा कर्मी की जगह अगर हम इन दर्पणों को लगाए, और इन दर्पणों में क्या होता है, आपका जो पूरी दुकान है उसका पूरा व्यू आ जाता है, जिस कारण अगर आपके पास सिर्फ एक ही सुरक्षा कर्मी है, एक ही सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी आसानी से चीजों को देख पाए। इन हॉलवेज दे आर पुट एट इंटरसेक्शन और एट ब्लाइंड स्पॉट इन द कॉरिडोर टू इंप्रूव विजिबिलिटी फॉर पीपल वॉकिंग। अब अगर हम हॉलवे की बात करें, ठीक है, हॉलवे है, कॉरिडोर है, वहां पे जो ब्लाइंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ब्लाइंड पॉइंट्स होते हैं यानी ऐसी जगह जिस जहां पे पहुंचकर आपको आगे का दिखाई नहीं दे, जैसे मोड़ हो गए, ठीक है। तो जो आपके हॉल होते हैं, हॉल में भी ऐसे मोड़ होते हैं, या जो आपके कॉरिडोर वगैरह होती हैं, गैलरी होती है, वहां पे भी ऐसे मोड़ होते हैं कि आगे से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आपको दिखाई नहीं। तो ऐसी जगहों पर भी कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि कोई व्यक्ति अगर ऐसी जगहों से जा रहा है तो वो ये देख पाए कि दूसरी जगह से या दूसरी तरफ से कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ से कोई आ रहा होगा और आपको, क्योंकि ब्लाइंड पॉइंट्स में तो आपको दिखाई नहीं देता, तो आप उससे टकरा सकते हो, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो ब्लाइंड पॉइंट्स होते हैं वहां पर, या जो चौराहे होते हैं वहां पर जो है इन दर्पणों का उपयोग किया जाता है। गलियारों में उन्हें चौराहों पर या गलियारों के अंधे स्थानों पर रखा जाता है, ताकि वहां चलने वाले लोगों की दृश्यता में सुधार हो सके। अब इसी तरीके से इनका उपयोग जो है रोड में किया जाता है, रोड़ों के किनारे जो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं वहां पे इन्हें लगाया जाता है, पार्किंग में लगाया जाता है, ठीक है, ताकि जो है पार्किंग में इसलिए लगाया जाता है कि ये देख पाए कि अगर आप गाड़ी को पीछे कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, तो कोई पीछे है तो नहीं, ठीक है, कहीं आप किसी से टकरा ना जाओ। रोड्स में क्यों लगाया जाता है, जैसे हमने बात करी कि कॉरिडोर्स या हॉल में क्या किया जाता है, इनको ब्लाइंड पॉइंट्स पे लगाया जाता है। तो इसी तरीके से सड़कों के किनारे ब्लाइंड स्पॉट्स जो होते हैं, ब्लाइंड पॉइंट्स जो होते हैं, वहां पे इन्हें लगाया जाता है, ताकि दूसरी तरफ से अगर कोई आ रहा है, गाड़ी में कोई आ रहा है, तो वो टकराए, एक्सीडेंट होने से बचने के लिए इनको ब्लाइंड स्पॉट्स पे लगाया जाता है। ऑन रोड, ड्राइववेज एंड एलीज देयर आर कॉन्वेक्स लेंसेज एंगुलरली केप्ट स्पेशली एट द कर्व्स एंड टर्न्स टू इम्प्रूव विजिबिलिटी। सड़कों, ड्राइववे और गलियों में उत्तल दर्पण होते हैं, जो दृश्यता में सुधार के लिए विशेष रूप से घुमावों और मोड़ों पर कोणीय रूप से रखे जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन पार्किंग लॉट्स टू मेक पार्किंग एंड टेकिंग आउट ऑफ पार्किंग इजी। पार्किंग को आसान बनाने और पार्किंग से बाहर निकालने के लिए इनका उपयोग पार्किंग स्थल में भी किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे पार्किंग होती है, पार्किंग वाली जो जगह होती है वहां पे भी लगाया जाता है, ताकि आप गाड़ी को आसानी से जो है पार्किंग में रख सके, वहां से निकाल सके, ठीक, आप किसी से टकराए नहीं, इसलिए वहां पर भी इन दर्पणों का उपयोग किया जाता है। द मिरर हेल्प्स देम लुक आउट एट एनी इनकमिंग ट्रैफिक और व्हीकल। शीशा या दर्पण इन्हें आने वाली किसी भी ट्रैफिक या वाहनों को देखने में मदद करें, ठीक है। तो ये इस तरीके से लगाए जाते हैं कि अगर आप पार्किंग से भी बाहर निकल रहे हैं या किसी किसी जगह से रोड की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो, आप जो है दर्पण पे ये देख पाए कि कोई वाहन आ तो नहीं रहा है, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको पता नहीं चलता है कि कहीं से वाहन आ, तो वहां पे इनका उपयोग किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो अगला जो उपयोग है कॉन्वेक्स मिरर का, इसका उपयोग एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास भी किया जाता है। आप ये जानते हैं कि जो आवर्धित लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इसका उपयोग छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में किया जाता है।
तो मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस, यानी जो आपका उत्तल दर्पण होता है इसका उपयोग आवर्धित जो लेंस होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर प्लेस बैक टू क्रिएट द मैग्निफाइड इफेक्ट। दो उत्तल दर्पणों को, ठीक है, बैक टू बैक लगाया जाता है, यानी आगे पीछे एक साथ लगाया जाता है ताकि मैग्निफाइड इमेज यानी आवर्धित प्रभाव या आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। उत्तल दर्पण का उपयोग आवर्धक लेंस बनाने में किया जाता है। आवर्धित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दो उत्तल दर्पणों के पीछे की ओर रखा जाता है। नेक्स्ट, इसका उपयोग जो है रिफ्लेक्टर के तौर पे किया जाता है। जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है उनमें इसका उपयोग किया जाता है, आपके जो टेलीस्कोप्स होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात करें, स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जाता है ताकि जो आपकी लाइट है, प्रकाश है, उसका जो अमाउंट है उसे इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, यानी जो प्रकाश दे रहा है वो अच्छे से प्रकाश दे, या उसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम इसे एज अ रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। दे आर यूज इन स्ट्रीट लाइट, यानी इनका उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, एंड दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, क्योंकि ये क्या है, प्रकाश के अच्छे परावर्तक हैं। दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट, दस मेक इट इजियर टू लाइट अप स्ट्रीट्स विद लो एनर्जीज। ये क्या करते हैं, ये लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, तब क्या होता है, जो लाइट है लाइट का अमाउंट बढ़ जाता है और कम जो है एनर्जी में या कम ऊर्जा में भी हमें काफी अच्छी लाइट यानी प्रकाश मिल जाता है। इनका उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं, वे प्रकाश की मात्रा बढ़ाते हैं, इससे सड़कों को कम ऊर्जा में उपयोग से रोशन करना आसान हो जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन टेलीस्कोप टू, टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी में भी इनका इस्तेमाल होता है। ये हमारे उपयोग थे। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन एंड स्फेरिकल मिरर, यानी अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की, ठीक है, जो कि आप स्फेरिकल मिरर में यूज करें। हमारे पास दो तरीके के गोलीय दर्पण हैं, एक आपका उत्तल है और एक अवतल दर्पण। दोनों में हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। सबसे बेसिक चीज साइन कन्वेंशन के बारे में, जिस डायरेक्शन में या जिस दिशा में प्रकाश जाता है उस दिशा को हम पॉजिटिव लेते हैं और उसके विपरीत दिशा को हम नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश किधर से किधर जाता है, बाएं से दाहिनी ओर, यानी लेफ्ट टू राइट। तो जो आप इस तरीके से अगर आप लेते हैं डायरेक्शन को, तो ये हमेशा आपकी पॉजिटिव में है। और अगर आप इसके विपरीत दिशा में चलते हो या इसके विपरीत दिशा में दूरी को लेते हो तो इसे हम हमेशा नेगेटिव में लेते। इसी तरीके से हम कॉन्वेक्स लेंस में बात कर लेते हैं, जिस डायरेक्शन में किरण पड़े वो दिशा आपका पॉजिटिव में होगा, उसके विपरीत दिशा में आप नेगेटिव में लेंगे। अब आपने जो है मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ी, तो नंबर लाइन में क्या होता है आपका, बेसिकली ये जीरो होता है, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर नेगेटिव नंबर। ठीक है, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होते हैं। यहां पर हम पोल को इसी तरीके से ले सकते हैं, ये आपका जो है पोल के इधर जो भी आप दूरी लेंगे सारी पॉजिटिव लेंगे, पोल के लेफ्ट साइड में जो भी दूरी लेंगे आप नेगेटिव लेंगे, क्योंकि आप पोल से ले रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, तो इधर की साइड
सारी जो डिस्टेंस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, इधर की साइड लेंगे तो सारी डिस्टेंस नेगेटिव होंगी। ठीक है, आपकी किरण किधर जाती है? इधर की साइड। ठीक है, तो यहाँ सारी पॉजिटिव है और पोल से इधर नेगेटिव। जैसे आप वस्तु को कहाँ रखते हो? यहाँ पे रखते हो, तो डिस्टेंस कहाँ से लोगे? वस्तु की जो दूरी है यू, कहाँ से लोगे? पी से। तो ये आपकी नेगेटिव में आएगी। अगर आपकी इमेज यहां पर बन रही है, मान लीजिए सी पर बन रही, तो जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, उसकी दूरी या वी का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। आई होप आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट, यहां पर भी आप वस्तु यहां पे रखेंगे, पोल यहां पे है, तो वस्तु यहां पे, ठीक है, तो यू का मान कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इमेज अगर यहां बनती है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इमेज अगर यहां बनती है तो नेगेटिव। यानी मान लीजिए इमेज आपकी बनती है सी पर, तो सी पर अगर इमेज बनेगी तो वी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है? पोल से पहले। बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, आपको यह ध्यान रखना। नेक्स्ट, आपका जो है मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी आपकी इमेज बनेगी वो आपकी कैसी होगी? उसको आप पॉजिटिव में, उसकी जो लंबाई है या उसका जो आवर्धन है, बेसिकली मैग्निफिकेशन है, उसे आप पॉजिटिव में लेंगे। नीचे होगी तो नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, एक्सेस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी एक्सेस के ऊपर पॉजिटिव, एक्सेस के नीचे नेगेटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोकस की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, यानी फोकस और वक्रता केंद्र की। तो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, तो अवतल दर्पण पे आप देख सकते हैं, आप फोकल लेंथ कहां से लेते हैं? पोल से। तो जो फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई होगी वो कहां पे है? लेफ्ट साइड में। तो ये आपकी नेगेटिव में होगी, यानी स्मॉल एफ आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या जो होगी, यानी कैपिटल आर, ये भी आपका नेगेटिव में होगा। किसमें? कॉनकेव मिरर। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है? आप देख सकते हैं फोकस इधर है राइट में, दाहिनी ओर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दाहिनी ओर। तो फोकल लंबाई कहां से लेंगे आप? पोल से लेंगे। ठीक है, पोल से यानी ध्रुव से लेंगे। ये आपकी फोकल लंबाई है F, तो यहां पे F होगा पॉजिटिव, और वक्रता त्रिज्या भी आपकी पॉजिटिव हो। ठीक है, F पॉजिटिव, R पॉजिटिव, यहां पे F नेगेटिव, R नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका अवतल दर्पण होता है उसमें F नेगेटिव होता है और R नेगेटिव होता है। वही अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो यहाँ पर F पॉजिटिव और R पॉजिटिव होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपकी इमेज कहाँ बन रही है? अगर इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है, यानी पोल से पहले, तो नेगेटिव में आएगी उसकी दूरी। पोल के पीछे बन रही है तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं पी और आर के बीच के संबंध की, यानी रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ठीक है, एफ और आर के बीच के संबंध। तो यहां पर जो आपका एफ है, ये आपका है फोकल लंबाई, आपने पढ़ा है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था, यानी जिसे आप क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। इसी तरीके से आर की बात करें, आर क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या।
यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लंबाई यानी फोकल लेंथ, वक्र त्रिज्या, इन दोनों के बीच का हम अब रिलेशन की बात करें। तो बेसिकली अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लंबाई क्या होती है, ध्रुव से फोकस की दूरी ही फोकल लंबाई कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम वक्रता त्रिज्या की बात करें, तो सबसे पहले अगर वक्रता केंद्र की बात करें यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर है, ठीक है, वो सेंटर किसका सेंटर है, उसका सेंटर है जिसका, या उस गोले का सेंटर है जिसका ये दर्पण था। तो वो क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे आपका सर्कल होता है, वृत्त होता है, वृत्त का भी एक केंद्र होता है, यहाँ पे स्फेयर है, स्फेरिकल शेप है, ये 3D में हो गया, तो इसका भी क्या होगा एक केंद्र होगा जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, अब इस ये जो स्फेयर है, ये जो गोला है, इसका भाग क्या है आपका, ये दर्पण है। तो बेसिकली इस गोले की जो रेडियस होगा, ठीक है, या इस गोले का जो कर्वेचर आपने लिया, इसका जो रेडियस होगा वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब इसकी जो लंबाई होती है या इसकी जो दूरी होती है, वो हम पोल से लेते हैं, पोल से सी तक, यानी पोल से सी की दूरी ही आपकी क्या है वक्र, जो है आपकी वक्रता त्रिज्या है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हम देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो है एफ बराबर आर बाय, एफ बराबर आर बाय। ठीक है, एफ क्या है फोकल लंबाई, आर क्या है वक्रता त्रिज्या। तो जो फोकल लंबाई होती है ये बराबर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, या आप ये कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दुगना होता है किसके, फोकल लंबाई की यानी फोकल लेंथ। द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक गोलीय दर्पण की फोकल दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध यह है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। तो जो एफ है वो बराबर होता है आर बाय, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र। तो अगर हम मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र की बात करें, तो जो दर्पण सूत्र होता है ये एक संबंध है U, V और F के बीच में। ठीक है, यानी जो आपकी वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, या प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकल लंबाई के बीच में जो संबंध होता है वही आपका मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मिरर फॉर्मूला है वो आपका कुछ इस तरीके से है, 1/v + 1/u = 1/f। तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, जो आपको अभी फॉर्मूले बताए जा रहे हैं इनको आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से इसको याद करना है, क्योंकि इसके बेस में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये चैप्टर जो है इसमें आपके न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो है 1/v + 1/u = 1/f। इन रे ऑप्टिक्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ आर रिलेटेड एज रे ऑप्टिक्स में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकल लंबाई के रूप में संबंधित है 1/v + 1/u = 1/f, where u is the object distance, यहाँ पे u क्या है वस्तु की दूरी, v is the image distance, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, f is the focal length, f क्या है focal लंबाई, r is the radius of curvature, r क्या है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, किसकी गोले दर्पण। The above formula is valid under all situations
फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स एंड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट पोजिशन. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है, आप इसे नोट. अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर. तो आपका अगला टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर, एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित रेखीय आवर्धन. ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे बताना है कि किसी गोलीय दर्पण के द्वारा जो रेखीय आवर्धन जो उत्पन्न किया जाता है, जो मैग्निफिकेशन जो उत्पन्न होता है, वो उसका फॉर्मूला क्या है. बेसिकली अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन का क्या अर्थ होता है, आवर्धन का क्या अर्थ होता है. आवर्धन का बेसिकली यहाँ पे अर्थ है कि जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो वस्तु से कितनी बड़ी. ठीक है, वस्तु यानी वास्तविक जो आकार है उससे कितना बड़ा, ठीक है, या कितना छोटा है, वही आपका आवर्धन कहलाता है. यानी अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, आवर्धन की बात करें, तो आवर्धन क्या है, आवर्धन एक रेशियो है, एक अनुपात है. ठीक है, किसका, इमेज का, या इमेज की जो हाइट है उसका किसके साथ, वस्तु की हाइट. तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन m को हम दर्शा सकते हैं i बाय o से, जहां i क्या है आपका, i जो है प्रतिबिंब का साइज है, o क्या है, o जो है वस्तु का साइज, यानी i प्रतिबिंब का आकार और o क्या है वस्तु का आकार. लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित रेखीय आवर्धन को दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है. यानी अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, जो आपका दर्पण है, दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है उसका अनुपात वस्तु के अनुपात के साथ या वस्तु के आकार के अनुपात के साथ, ठीक है, ये आपका क्या बनाता है, जो है आवर्धन या मैग्निफिकेशन बना. ठीक है, तो आप इसे नोट करें. अब अगर हम यू और वी की टर्म्स में बात करें तो मैग्निफिकेशन का आपका फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एम गिव्स वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के संदर्भ में एम को इस प्रकार दिया जाता है. ठीक है, एम इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू. अब यहाँ पर वी और यू क्या है, वी और यू जो है, वी जो है आपकी प्रतिबिंब की दूरी है और यू क्या है वस्तु की दूरी. ठीक है, अगर m जो है, ठीक है, m की जो वैल्यू है वो एक से कम है, इससे कम होगी, एक से कम होगी, तो जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार से छोटा हो. अगर m जो है एक से छोटा होगा, छवि यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कम होगा. If m is greater than one, यानी अगर m एक से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, इमेज जो है उसका आकार वस्तु के आकार से ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, यदि m is greater than one, छवि का आकार यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा. If is negative, the image formed is inverted. यानी यदि ऋणात्मक होगा, यानी अगर आपके पास m क्या आ गया, negative आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो क्या होगा, जो छवि होगी या प्रतिबिंब होगी वो कैसी होगी, उल्टी, inverted. If positive, यानी अगर धनात्मक होगा, the image formed is erect. तो जो छवि बनेगी यानी जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसी बनेगी, सीधी. ठीक है, तो अगर m क्या हुआ आपका, पॉजिटिव हुआ तो इमेज कैसी बनेगी, सीधी, नेगेटिव हुआ तो उल्टी इमेज बनेगी. ठीक है, आप इसे नोट करेंगे.
तो बच्चों आज हमने साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है, आप साइन किस तरीके से लगाएंगे। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन फॉर्मूले के बेस में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।